ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा में स्नान और पूजा के साथ दीपदान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन गंगा स्नान से पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि राजा सगर के पुत्रों के मोक्ष के लिए ही गंगा पृथ्वी लोक पर आई थी। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा के दिन इस बार 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जो गंगा स्नान का फल 2 गुना कर देंगे। ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि करीब 100 साल बाद दशहरा पर ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र है और इसके अलावा सर्वात सिद्धि योग, साथ ही अमृत योग और रवि योग का अद्भुत संगम भी है। इस बार गंगा दशहरा पर मूलतः 3 संयोग शुभ बन रहे हैं। पहला तो है सर्वार्थ सिद्ध योग, दूसरा है अमृत सिद्ध योग और तीसरा है रवि योग। ये 3 प्रशस्त योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब कि हमारी सर्व मनोकामनाओं को सिद्धि देने वाली, यानी कि गंगा दशहरा के दिन अगर हम माँ गंगा की गोद में स्नान करते हैं तो हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती। दूसरा योग है अमृत सिद्ध। अमृत क्या है? अमृत की वर्षा, यानी कि उस दिन हमारे माँ गंगा में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो योग जो है कभी कभी जो है 12 वर्ष या 6 वर्ष पर कुंभ और अंध्र कुंभ पर जो अमृत योग की वर्षा होती है, हम उस तरह से योग से जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने का तात्पर्य है कि उस गंगा माँ गंगा के पतित पावनी माँ गंगा में अमृत का युग, क्योंकि इस समय भगवान सूर्य नारायण जो है बृहस्पति के और शुक्र की राशि में है, वृक राशि में, और उसी में नारायण बृहस्पति विराजमान है। तो शुक्र क्या है? अमृत योग क्यों बना? कि शुक्र के वजह से शुक्राचार्य ने ही नाभि में जो है अमृत प्रदान किया था और स्वयं शुक्राचार्य ने ही महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी, संजीवनी मंत्र की, महामृत्युंजय के संजीवनी। इसलिए यह अमृत सिद्ध योग इसलिए कहा गया, अगर माँ गंगा में हम अगर स्नान करते हैं तो हमें अमृत सिद्ध योग की प्राप्ति होती है। रविवार होने की वजह से रवि योग होता है। रवि योग होने की वजह से अगर गंगा में स्नान करते हैं तो सूर्यजनित जो भी विकार हो हमारे अंदर, चाहे हृदय संबंधी रोग हो, कुष्ठ रोग हो, इन रोगों का शमन होता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन ये 3 जो पावन योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और रविश योग, इन 3 योगों के कारण अगर इस दिन हम माँ गंगा में जाकर के स्नान करें, उनके गोद में उनके नाम का उच्चारण करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए, गंगा स्तोत्र का पाठ करते हुए, तो अवश्य हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। जय विश्वनाथ।